फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो आज ये डेट है 21 जनवरी, और खिचड़ी वाले दिन से, मकर संक्रांति से ये सीधा रखा हुआ था, पंडित जी को देना है, तो हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो अब फ्रेंड्स, आज मैं और शंशु अभी जा रहे हैं मंदिर नहा धो के। फ्रेंड्स, अभी ये सीधा देने हम जा रहे हैं मंदिर, और हवा बहुत चल रही है, धूप ना के बराबर निकली। और अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं, लेकिन लग रहा है जैसे बस सुबह ही हुई है। तो यहाँ पे सोसाइटी का मंदिर है, तो वहीं पे मैं अभी जा रही हूँ, मैं और शंशु, ये सीधा देने के लिए। और बस अभी मैं दिखाऊंगी कि सोसाइटी में कैसा मंदिर है। फ्रेंड्स, मेरे साथ चलिए, आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ। शंशु, ठंडी लग रही है क्या? हाँ। बहुत आप रही है शंशु और मैंने सॉक्स भी नहीं पहने मंदिर जाने के चक्कर में, मैंने कहा वहाँ गीले हो जाएंगे, लौट के पहनेंगे तो पैर अब बिल्कुल बर्फ जैसे गल रहे हैं। पहले ऊपर से तुम भी डाल दो, फिर मुझे वाले पहना देंगे। अर्चताम समर्पयामि, सबको एक एक माला पहना दीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे कल भंडारा होना है, तो उसके लिए देखिए सब्जियाँ जो दान में आई हैं और जो खरीद के आई हैं मंदिर की तरफ से, तो यहाँ पे कल भंडारे की तैयारी चल रही है। कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो होनी है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे काफ़ी विशाल भंडारा होना है। और यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, ये भंडारे के लिए टेंट वगैरह यहाँ पे लग गए हैं। पहले यहाँ मॉर्निंग में होगा सुंदरकांड, फिर उसके बाद भंडारा होगा। फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट यहाँ पे हो रहा, भी लाइटिंग वगैरह की भी सारी व्यवस्था रहेगी। तो अब और मैं आपको दिखाऊं ये मंदिर का व्यू बाहर से, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके सामने ये छोटा सा पार्क टाइप का है, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं बहुत अच्छे। और ये सोसाइटी के बीचों बीच ये मंदिर बना है, तो ये है कि सोसाइटी वालों को और कहीं मंदिर जाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर उनको कोई छोटी मोटी पूजा करवानी हो तो यहाँ पंडित जी पूजा वगैरह सब अच्छे से करवा देते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे पार्क लग रहा है, और ठंडी तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बस अब पंडित जी को सीधा दे के फ्री हो गए हैं, अब हम चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अभी जो है तो मंदिर में ये कलर का भी काम हुआ है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मेजे वगैरह और गद्दे वगैरह सब आते जा रहे हैं टेंट हाउस से, और काफ़ी बड़ा आयोजन यहाँ पे होने वाला है। अगर कल मैं यहाँ भंडारे में आई तो फिर यहाँ का एक ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी। और फ्रेंड्स देखिए, मंदिर के ठीक पीछे ये एक शनि देव का मंदिर है, जो लोग दीपक वगैरह जलाना चाहें शनि देव में, तो यहाँ पे दीपक वगैरह जला सकते हैं आके। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए शनि देव के आगे यहाँ दीपक भी जल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए शनि देव के दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए। बहुत पहले जब मैं पिछले साल आई थी तब यहाँ पे ये मंदिर नहीं था,
और अब ये मंदिर बहुत बढ़िया बन गया है। और यहाँ पे ठीक बगल में शनि देव के ठीक बगल में देखिए यहाँ पे ये दुर्गा माता का मंदिर बन गया है। ये दुर्गा माता का बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पे बन गया है। माता रानी देखिए कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए और बस अब शंशु को कुछ स्टेशनरी लेनी है अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो अब थोड़ा सा हम उसकी स्टेशनरी, यहीं सोसाइटी में शॉप है, यहाँ से ले लेंगे, फिर हम चलते हैं घर। घर से आई अब ना? अच्छा, नहीं पहुंच गई है अपनी स्टेशनरी का सामान लेने 7th फ्लोर पे। तो बस अभी वो अपनी स्टेशनरी ले ले, चार्ट पेपर वगैरह, तो फिर हम चलते हैं। बस फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं घर और अपनी वाली बिल्डिंग में लिफ्ट में है। और शंशु ने भी अपने चार्ट पेपर खरीद लिए हैं और सीधा भी हमने दे दिया है। तो 15 से 20 मिनट में हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। बस हम पहुंच गए हैं अब अपने फ्लोर पे। और तुम कहाँ जा रहे हो? और अभी ये आशु कहीं पे जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? गार्डन में धूप नहीं है। गार्डन में हवा ही हवा। और हम लोग की अब जम चुकी है कुल्फी और बस जाके थोड़ा सा हाथ पैर सेकेंगे। बाबा रे बाबा, खोलो दरवाज़ा।